क्लास सिक्स सेवेंथ, क्लास सेवेंथ आप का प्रैक्टिस जोन टू में आज कराऊंगा, चैप्टर ट्वेल्व में पैरामीटर एंड एरिया के अंदर। और एरिया के बारे में जो ये फिगर्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि इन एक फॉर्मूलाज को आप एक बार लिख लेंगे अपने पास, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने ये भी बताया था आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है वो भी बताया था। उसके बाद जो हम बेस इनटू हाइट करके इसको ले रहे थे, पैरेललोग्राम का एरिया लेते हैं बेस इनटू हाइट। तो जितने भी फॉर्मूले इसके अंदर हैं उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ये रहा, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था। 1/2 इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कहते हैं क्योंकि एक पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बन जाते हैं, या 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट बेसिक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये सब आप पहले कर चुके हैं। आते हैं सीधे प्रैक्टिस जोन टू पर, और मैं प्रैक्टिस जोन टू के दोनों क्वेश्चन आज आपको करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सर्कल पर। ठीक है, तो देखें ज़रा प्रैक्टिस जोन टू में, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड पी डब्ल्यू एंड आर एम ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हुज एरिया इज 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें, हमारे पास एक फिगर है, एक ये एक रोम्बस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक फिगर दी हुई है, आप इसे क्वाड, यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको जो गिवन है, जैसे एस आर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू आर या आर क्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, आपको फाइंड आउट करना है आर डब्ल्यू और पी डब्ल्यू, पी डब्ल्यू और आर एम, पी डब्ल्यू और आर एम, ये दोनों एल्टीट्यूड आपको फाइंड आउट करने हैं पैरेललोग्राम के केस में। ठीक है, तो अगर हम पहले मैंने कैसे क्या गिवन क्या क्या है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस दिया है 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद एस आर 5 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर दिया है, आपको फाइंड करना है पी डब्ल्यू एंड आर एम, पी डब्ल्यू एंड आर एम। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर रोम्बस दिया कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो आप इसे यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस ना करके आप यहाँ पर पैरेललोग्राम ही लिखेंगे। और पैरेललोग्राम को आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको काट के पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेयर एस आर इज टेकन एज बेस, जब हम एस आर को बेस मान रहे हैं तो एस आर 5 हो जाएगा और एल्टीट्यूड पी डब्ल्यू निकल आएगा। कैसे, क्योंकि हमें इसका एरिया तो पी क्यू आर एस का दिया ही हुआ है ना, तो हम जरा इसमें क्वेश्चन लगाते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेयर एस आर इज टेकन एज बेस, एस आर को हम बेस ले रहे हैं और ये एल्टीट्यूड ये वाला आएगा पी डब्ल्यू। तो हमने इसको लिखा बेस इनटू हाइट, बेस क्या है 5, एस आर कितना दिया है 5, ये 5 दिया हुआ है, 5 है ये। और दूसरा पी डब्ल्यू हमें पता नहीं है, ये 25.5 है, तो पी डब्ल्यू जो हम डालेंगे तो 25.5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा, सो पी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी डब्ल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस वेयर क्यू आर इज टेकन एज बेस। अब आपको क्यू आर 4 सेंटीमीटर, इसको बेस लेना है, तो हमारे पास जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो होगा एम आर एम। ठीक है, तो हमने लिखा 25.5 इज इक्वल टू 4 इंटू आर एम, बेस इंटू हाइट होता ही, तो बेस कितना है 4, हाइट आर एम है, और हमें यही निकालना, हाइट या एल्टीट्यूड ये आर एम है, और आर एम को निकालेंगे 25.5 / 4 करेंगे तो 6.375, आर एम 6.375 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये दो इसके अंदर निकल गए हैं, इसके बाद देखते हैं सेकंड। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज 10 सेंटीमीटर, बी सी इज 6 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड पहला द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा लेंथ ऑफ बी। देखें, आप एक फिगर दी हुई है, इसके अंदर ए बी सी ये ट्राइंगल दिया हुआ है, और इसके साथ साथ एक ये एल्टीट्यूड दिया है ए डी। ठीक है, इसको डॉट से शो किया है, और ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी दिया हुआ है 6 और ए सी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब आपको पहले तो फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया पहले कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास देखिए बेस भी है इसका 6, और हाइट या एल्टीट्यूड ये भी इसका ही है, तो ये 7 है, तो इसको 6 लेना है, बेस को 6 लेना है, इसको 7 लेना है, हम इसे आसानी से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या एल्टीट्यूड 1/2 इंटू बी सी, बी सी कितना दिया है 6, और ए डी दिया है 7,
तो हम इन दोनों को रख के और टू से कैंसिल कर दें, 7 3 21, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। नाउ हमें क्या करना है, अब इस बी ई, ये भी तो एक तरह का एल्टीट्यूड है, अगर मैं ए सी बेस ले लूँ, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर बेस ले लूँ ए सी, तो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा बी ई। तो मैंने वही किया है कि फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ बी ई, वी विल टेक बी ई एज एल्टीट्यूड एंड ए सी एज बेस, ठीक है। तो हम बी ई और ए सी को ले लेंगे, 1/2 बेस ऑफ ए सी, बेस एज ए सी एंड एल्टीट्यूड एज बी ई। तो बेस जो है अब हमारा 10 है और हमने एरिया निकाल लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो 21 हो गया, 1/2 इंटू बेस ए सी जो है वो 10 दिया हुआ है, इंटू बी ई हमें निकालना है, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 5 बी ई हो जाएगा, और बी ई इज इक्वल टू 21 और 5 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 4.2 इसका आंसर आएगा, तो बी ई इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये दोनों आपके फिनिश हो गए, ठीक है, ये दोनों ही प्रैक्टिस जोन के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हमें ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर आ रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द लेंथ अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। सीधी सी बात है, सर्कल में बाउंड्री की लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ये जो जैसे हाफ सर्कल है तो इसकी बाउंड्री हाफ हो गई, अगर पूरा सर्कल हो तो इसकी बाउंड्री को मेजर कर लीजिए आप, बाउंड्री की जो लेंथ होगी उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। नाउ तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू 2R होता है, डी होता है डायमीटर, किसी भी उसका डायमीटर होता है, किसी सर्कल का डायमीटर डी होता है, आर उसकी रेडियस होती है। जैसे ये सेमी सर्कल दिया हुआ है, इसको आप पूरा सर्कल माने तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन है, ये इसकी रेडियस है, और यहाँ से पूरा ये डायमीटर है, डायमीटर इसका डबल होता है, 7 × 14 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, और यहाँ बिल्कुल मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, कहीं पर भी आप सर्कमफ्रेंस से टच करोगे वो सारी लेंथ आर होगी, ठीक है। तो अगर ये मैं रखने के बाद सर्कमफ्रेंस निकालता हूँ तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आती है 2πr। अगर आपको आर नोन है तो आप 2π लगा के आराम से सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, जहाँ पर आर जो है वो हमारा है रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई की वैल्यू 22/7 भी लेते हैं और 3.14 भी अगर इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ सर्कल पर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आपको एरिया निकालना है तो वो पाई आर स्क्वायर होता है, और कुछ ये दो फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस जोन 3 पर आ जाएंगे आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस जोन 3 आप ट्राई करेंगे, आपको दोनों फॉर्मूले पता हैं, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये करवाऊंगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद ये एक और शायद रह गया है, इसके बाद दो ही प्रैक्टिस जोन रह गई हैं, उसके बाद ये आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके इस ये क्वेश्चंस करके और इनको फॉर्मूलाज को जो है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद हम अगला वो शुरू करेंगे, अगला चैप्टर शुरू, अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि प्रैक्टिस बुक आपको करनी है, और आप प्रैक्टिस बुक प्रॉपरली पूरा वर्क करके सेंड करें, ठीक है, क्योंकि बाद मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि होमवर्क सारा करना है, जो मैं इसमें दे रहा हूँ वो इसका करना है, प्रैक्टिस बुक का दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस बुक का करना है, तो होमवर्क आप फटाफट करके और सेंड करें।